चैप्टर 7 पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमें पी ब्लॉक के बारे में ग्रुप नंबर 15 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक की स्टडी करनी है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास चार ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में जाएगा वो डिपेंड करता है उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर जा रहा है तो हम उसको एस ब्लॉक के अंदर रखेंगे, अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है तो हम उसको पी ब्लॉक में रखेंगे, और अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है तो उसको डी ब्लॉक में रखेंगे। तो उस तरह से हमारे पास एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं। यहाँ पे हमें देखना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट थिंग ये आती है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाएगा। हमें पता है चार सबशेल होते हैं SPDF, तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का पी सबशेल में जा रहा है तो उसको उठा के हम कहाँ रखेंगे, पी ब्लॉक के अंदर रखेंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में आपके पास पी ब्लॉक है, लेफ्ट साइड में आपके पास एस ब्लॉक होता है और बीच में डी ब्लॉक होता है, ठीक है। और फर्दर पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये बताया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो अपन वो समझ चुके हैं कि अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर होता है तो वो सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखो तो जो पी सबशेल होता है, पी सबशेल जो होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप पी सबशेल को देखो, अगर मैं पी सबशेल की बात करूं तो जो पी सबशेल होता है उसमें आखिरी में टोटल कितने, उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पी सबशेल हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, 1, 2, 3। तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसी वजह से पी ब्लॉक के अंदर टोटल 6 ग्रुप्स या 6 फैमिलीज होती है, ठीक है, समझ में आता है। रीजन क्या, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप या 6 फैमिलीज क्यों है, इसलिए है क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप सेम चीज एस के लिए और डी के लिए भी कर सकते हो। देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि एस जो है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 होते हैं। अगर हम पी की बात करें तो पी में हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए इसके अंदर 6 ग्रुप होते हैं। तो ये होते हैं ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होते हैं और ये ग्रुप नंबर 18 तक जाते हैं। इसके बाद अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी के अंदर, डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसीलिए इसके अंदर 10 ग्रुप होते हैं, और वो होते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है ना। तो हम ग्रुप की बात करेंगे तो सबशेल को देख के बात करनी पड़ेगी हमें। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 टोटल 6 ग्रुप होते हैं। याद रखेंगे पी सबशेल यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक होते हैं। इसके बाद पी ब्लॉक की एक खास बात यह है कि इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ साथ मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पी ब्लॉक में मेटल्स तो मिलते ही हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और साथ में मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल तो पता है, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल से मिलती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलती है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे पी ब्लॉक के बारे में। अगर मैं यहाँ पे और देखूं तो पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 4 है टोटल 6, हमें देखना था से ग्रुप 15 से, लेकिन पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से, ग्रुप नंबर 13 से। तो मैं ध्यान से सुनना, ग्रुप नंबर 13 मिलेगा हमें पहले पी ब्लॉक में, देन ग्रुप नंबर 14, देन ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17, 18। तो मैं अगर पहले ग्रुप नंबर 13 की बात करूं तो ग्रुप नंबर 13 का जो पहला मेंबर है वो है आपके पास बोरोन। पहला कौन है? बोरोन, और उसके बाद चलता रहेगा बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। देखो, जो पहला मेंबर होता है ना उसी के नाम से ग्रुप रख देते हैं, तो इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली। क्या नाम है इसका? बोरोन फैमिली। तो जो ग्रुप नंबर 13 है उसको बोलते हैं बोरोन फैमिली, और नाम कहां से आता है, जो भी पहला एलिमेंट होता है वहां से आ जाता है। इसके जस्ट बाद आता है आपका ग्रुप नंबर 14, ठीक है ना, बोरोन के साइड में दिखता है ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 14 का जो पहला एलिमेंट है वो है आपका कार्बन, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाता है कार्बन फैमिली, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 15, हमें ना ग्रुप नंबर 13 पढ़ना है ना हमें ग्रुप 14 पढ़ना है, ये हमारा 11th क्लास में था, लेकिन हमें याद रखना है कि ग्रुप पी ब्लॉक की जब हम बात करेंगे तो पी ब्लॉक हमारा 13 से स्टार्ट होता है, 15 से स्टार्ट नहीं होता है ना। 13 और 14 हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 15 से, ठीक है। तो ग्रुप नंबर जो 15 है उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो होता है हमारे पास नाइट्रोजन, और इस फैमिली का नाम होता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। और इसी को कभी कभी निकोजेंस भी बोलते हैं, इसी को निकोजेंस भी बोलते हैं, निकोजेंस भी बोलते हैं, निकोजेंस, ठीक है।
तो ग्रुप नंबर 15 यहाँ से हमें स्टडी करनी है। इसको नाइट्रोजन पहला नंबर है, इसीलिए इनका नाम है नाइट्रोजन फैमिली या निकोजेंस। इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में जो पहला मेंबर है वो है आपका ऑक्सीजन। ग्रुप नंबर 16 का जो पहला मेंबर है वो है आपके पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है तो इसलिए नाम ऑक्सीजन फैमिली हो जाता है। लेकिन और एक और जो दूसरा नाम है वो है आपके पास चैलकोजेंस। तो या तो ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे या इन्हीं का दूसरा नाम होता है चैलकोजेंस। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 पहला मेंबर ऑक्सीजन, नाम हो गया ऑक्सीजन फैमिली, और दूसरा नाम इनका है चैलकोजेंस। तो या तो ऑक्सीजन फैमिली बोल दीजिए या चैलकोजेंस बोल दीजिए। इसके बाद ग्रुप नंबर 17 आता है। ग्रुप नंबर 17 जो है आपका वो है आपका हेलोजेंस। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 इसको कॉमनली हेलोजेंस ही बोलते हैं। लेकिन अगर पहला मेंबर के हिसाब से देखो तो इसमें पहला मेंबर है फ्लोरीन, तो नाम हो जाएगा, आप चाहो तो इसका नाम दे दो फ्लोरीन की फैमिली, तो ये फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हो। लेकिन मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पे हेलोजेंस वर्ड यूज करते हैं, तो ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेंस बोलते हैं। और लास्ट में आता है ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 जो कि नोबल गैसेस हैं, इसीलिए इन ग्रुप का नाम होता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। तो ये टोटल हमारे पास 6 ग्रुप हैं। 13 से स्टार्ट होगा, 18 पे एड होगा। 13 बोरॉन फैमिली है, 14 कार्बन फैमिली है, 15 नाइट्रोजन फैमिली है, 16 ऑक्सीजन फैमिली है, कॉमन नेम चैलकोजेंस होता है, 17 हेलोजेंस की फैमिली है, फ्लोरीन फैमिली आपको यूज नहीं करते हुए दिखेंगे, वो डायरेक्ट हेलोजेंस ही बोलेंगे, और ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन की बात थी, अब अपन ग्रुप नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। ओके।